हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका सिर्फ एक बार उच्चारण करने से कुछ होने वाला नहीं। ये बार बार हर समय हर पल हमारी जीवा पर रहे, हमें उसका प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास कैसे हो सकता है? वो प्रयास इस मंत्र में हमारी श्रद्धा से हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो हम भगवान में श्रद्धा की बात सुन रहे थे, अब आप कह रहे हैं मंत्र में श्रद्धा रखिए। तो भगवान का मंत्र और भगवान का विग्रह और भगवान स्वयं अभिन्न है। भगवान के मंत्र में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, या स्वयं भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए जो श्रद्धा की बात मैं कह रहा हूं, श्रद्धा विकसित करनी चाहिए हमें इस महामंत्र में, तो हम उस आनंद का अनुभव कर सकेंगे जो भगवान के दर्शन करके भी हमें आनंद मिल सकता है। वही आनंद हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से मिल सकता है। तो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यू कैन नोट डाउन। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। और पहली श्रद्धा का स्वरूप है जो हमें भक्तों के संग तक ले जाती है। पहली श्रद्धा का स्वरूप क्या है कि जो हमें भक्तों के संग तक ले जाती है। तो हम लोग कहते हैं ना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वैष्णव का संग करो, भक्तों का संग करो। तो सदाचार या ये जो संग है, ये संग इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब अच्छे व्यक्तियों का, वैष्णवों का, भक्तों का संग होगा, तभी उनकी आसक्ति जिस विषय में है, उनकी आसक्ति निश्चित तौर पर भक्ति में होगी, तो आपकी आसक्ति भी भक्ति में बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा भक्ति में बढ़ेगी। आपको अभी जैसे कुछ पता नहीं है और अचानक से आपको कुछ दिनों के लिए एक भक्त के संग रहने को दे दिया जाता है, तो वो जो कुछ आचरण करता है उससे आपको पता लगता है, अरे ऐसा भी कर सकते हैं क्या, और ऐसा करने से ये इसको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो अगर मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूं, क्या मुझे भी वही रिजल्ट मिलेगा? निश्चित तौर पर 100% अगर आप श्रद्धा पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं और भक्ति का कार्य है, तो सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है। अगर उसको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन श्रद्धा का लेवल बराबर होना चाहिए, या एप्लीकेशन की जो ग्रेविटी है वो बराबर होनी। एप्लीकेशन की ग्रेविटी का अर्थ है कि यदि आप भगवान में विश्वास रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, तो अगर वो 100% रख रहा है तो आपको भी 100% रखना है, तभी इक्वल रिजल्ट आएगा। इक्वल रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा कि उसने 100% रखा है और आपने सिर्फ 10% रखा है और आप 100% की अपेक्षा कर रहे हो। दैट विल बी ए फॉल्टी रिजल्ट, राइट? तो ये जो श्रद्धा है, जो आपको भक्तों के संग तक लेकर जाती है, आप किसी पर विश्वास करते हो, वहां पर श्रद्धा जो है विश्वास के रूप में है। ये आप सोचते हो, अरे ये आदमी ठीक लगता है मुझे, मैं इतने दिनों से मंदिर आ रहा हूं, या मंदिर छोड़ दो, आप कहीं भी किसी भी जगह पर, ये आदमी मुझे रोज मिलता है, मुझे इससे बात करना चाहिए, हो सकता है कि ये मुझे सही राह दिखा दे, मुझे, मैं भटक रहा हूं, मैं परेशानी में हूं, तो ये मुझे सही रास्ते पर लेकर आ जाए। मंदिर या भक्तों की बात तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग तो भक्ति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो हमें यही सोचकर चलना चाहिए कि हमें ऐसे भक्त मिलेंगे और उन पर हम विश्वास करेंगे, इससे ही हमारी श्रद्धा पनपती है। हमारी श्रद्धा को जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो कहाँ से मिलता है? कि कोई व्यक्ति हमें मिला और वो हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, भक्ति की बातें कर रहा है, भागवतम की बातें कर रहा है, कृष्णा के पास टाइम सुना रहा है, मंदिर जाने की बात कर रहा है, और लेक्चर अटेंड करने की बात कर रहा है, यात्रा पर जाने की बात कर रहा है। तो धीरे धीरे हमें हो सकता है कि शुरुआत में बोरिंग लगे, लेकिन बाद में वही व्यक्ति हमें उस भक्ति के मार्ग पर लेकर जाएगा जहां जाना एज ए ह्यूमन हमारी रिक्वायरमेंट है। एक मानव होने के नाते हमें उस भक्ति के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो जब वो श्रद्धा थोड़ी सी, विश्वास जो है श्रद्धा में परिवर्तित होने लगता है, तो फिर हम उससे और अटैच हो जाते हैं, हम उससे फिर क्लोज हो जाते हैं। और फिर जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब दो भक्त मिलते हैं तो उनमें कुछ गुह्यतम, कुछ सीक्रेट बातें होती हैं, एक दूसरे से सीक्रेट्स अपने अपने शेयर करते हैं।
वो जो पहले वाले भक्त हैं वो कहते हैं, अरे आपको पता है मैं जब भक्ति में आया था 10 साल पहले तो मैं तो ऐसा करता था, और आज देखो कृष्णा ने मेरा जीवन ही बदल दिया। और ये व्यक्ति भी सोचकर अचंभित होता है कि हाँ ऐसा ही तो मैं भी करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, तो इसका मतलब है कि मुझे भी कृष्ण की कृपा मिल सकती है। तो इस विश्वास के साथ वो श्रद्धा डेवलप हो रही है, और तब आपको उस व्यक्ति का संग मिल रहा है जो आपको भक्ति के मार्ग पर आगे लेकर जा रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, जो भक्तों के संग तक लेकर जाती है वो श्रद्धा। दूसरा है, जब व्यक्ति शास्त्रों को मानने लगता है और विश्वास करता है, शास्त्र को मानना मतलब सुन लिया हमने, मान लिया हाँ चलो ठीक है हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं, वो शास्त्रों की कही हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, अपने जीवन में उसको अडॉप्ट करना चाहता है। तो पहले तो उस व्यक्ति के एसोसिएशन में आया जो उसे भक्ति के मार्ग पर लेकर जा रहा है, और दूसरा फिर जो व्यक्ति से एसोसिएशन हुआ है उसका, वही उसे शास्त्रों से इंट्रोड्यूस कराता है। कैसे, आ जाओ क्लास हो रहा है, आज क्लास हो रहा है, उसके बाद प्रसाद भी है। हमेशा नए भक्त के लिए ये बोलना परम आवश्यक है कि आप क्लास में आ जाओ, बाद में प्रसाद भी है। बाद में प्रसाद है जो एक टेल है इस सेंटेंस का, लेकिन वो हेड है, समझ लो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति नहीं भी आना चाहे क्लास में तो सोचता है चलो उन्होंने कहा प्रसाद भी है तो आज प्रसाद खाकर आ जाएंगे, तो प्रसाद बनाने का घर में झंझट खत्म हो जाएगा और कुछ वैरायटी भी मिलेगा, क्योंकि इस्कॉन के प्रसाद में तो वैरायटी होती ही होती है। तो इसलिए ये जो बात है, इससे क्या होता है, जब उस शास्त्र सुनता है, श्रवणम, श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, 9 के 9 में जो नवदा भक्ति के 9 अंग है, श्रवणम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मनिवेदनम खराब है सबसे, इसलिए 9वें नंबर पर रखा गया, नहीं, आत्मनिवेदनम भी सर्वोत्तम है, लेकिन श्रवणम आप बिना आत्मनिवेदन के भी कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपके कानों में कुछ जा रहा है, आप एकदम नास्तिक हो, आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते, कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते, फिर भी आपको कोई कुछ सुना रहा है, प्रभुपाद का लेक्चर या किसी आचार्य का लेक्चर या किसी वरिष्ठ वैष्णव का लेक्चर आपको कानों में पड़ रहा है, आप अनचाहे मन से भी उसे सुन रहे हो, तभी भी जैसे धरती में किसान बीज बोता है ना, कुछ गुनगुनाता जा रहा है, बो रहा है, उसे पता नहीं है कि इस मुट्ठी में जितने दाने उसने डाले हैं सभी उगने वाले हैं कि नहीं उगने वाले, लेकिन वो डाल रहा है, डालता चला जा रहा है। इसी तरीके से वक्ता बोल रहा है, सुनने वाले कुछ ग्रहण कर रहे हैं कुछ नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो जो ग्रहण कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ग्रहण कर रहे हैं उनको भी एक ऐसी सुकृति मिलती है जो उस दाने की तरह से है, जो अच्छी तरह फला फूला नहीं लेकिन फूला है, फला है, जीवित हुआ है, बहुत अच्छा हृष्ट पुष्ट फल नहीं आया उस पर, ठीक है थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा आ गया फल, लेकिन आ गया, तो उस दाने की तरह उसकी प्रकृति है, उसको स्वीकृति मिल जाती है, और उस स्वीकृति से वो फिर और आगे बढ़ता है। तो शास्त्रों में उसकी रुचि हो जाती है, ये श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा डेवलप हो रही है, कैसे, शास्त्रों के प्रति, भगवत गीता का लेक्चर सुन रहा है, भागवतम का लेक्चर सुन रहा है, कोई और ऐसे सामान्य लेक्चर है वो सुन रहा है, अरे कुछ नहीं तो कोई 10वें स्कंद से कथा सुन रहा है, कृष्णा की कोई स्टोरी सुन रहा है, कुछ ना कुछ श्रवणम चालू है उसका, तो शास्त्रों से उसका परिचय होता है और उसको विश्वास होने लगता है, ये श्रद्धा डेवलप होने के स्टेज, पहले वो भक्त से मिलता है, दूसरी बार अपना विश्वास अर्जित करता है शास्त्रों के प्रति, क्योंकि हम यहाँ जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो श्रद्धा शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में, भगवान में, भक्ति में, भक्तों में, इन्हीं की श्रद्धा की बात कर, हम किसी और श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। और बहुत से प्रकार की श्रद्धाएं हो सकती हैं, कौन से हीरो में आपकी श्रद्धा है, कौन सी हीरोइन में आपकी श्रद्धा है, कौन से खाने में आपकी श्रद्धा है, कौन से डांस फॉर्म में आपकी श्रद्धा है, डिफरेंट थिंग, वो सब बहुत ही जगत की चीजें हैं। हमें जो चर्चा करनी है, समझ लीजिए हम सिर्फ शास्त्रिक चर्चा ही करेंगे।
तो व्यक्ति शास्त्रों को मानने लगता है, उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। और तीसरी बात क्या है, जब उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है शास्त्रों पर, तो वो शास्त्रों को खुद पढ़ने लगता है, खुद जानने लगता है। अरे प्रभु जी ने ये बताया था, इसके आगे और क्या है आखिर? प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में इतनी अच्छी बात लिखी है, तो मैं और भी देखूं इसके आगे पीछे के किसी और श्लोक में, तात्पर्य में भी कुछ और अच्छी बात है क्या? ऐसी श्रद्धा उसकी और थर्ड लेयर चढ़ गई, फर्स्ट लेयर चढ़ी, सेकंड लेयर चढ़ी, थर्ड लेयर चढ़ी। शास्त्रों का ज्ञान वो खुद से हासिल करने के लिए उत्सुक हो जाता है, इनक्विजिटिवनेस, वो उसको उत्सुकता हो जाती है कि मुझे ये जानना चाहिए, ये कैसे हो रहा है, ये प्रकृति कैसे ये कार्य कर रही है, ये जो प्रकृति के गुण है कैसे कार्य कर रहे हैं। तो मतलब श्रद्धा जो है वो अच्छी तरीके से हृदय में बैठ गई अभी जाकर तीसरे लेयर में, और वो जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर शास्त्रों में और क्या गूढ़ ज्ञान है ऐसा जो कि हमें लाभान्वित कर सकता है। तो तीन स्तर मैंने अभी आपको बताया, पहले कौन कौन से स्तर है, वो जो भक्तों के संग तक लेकर आता है श्रद्धा का स्तर, दूसरा स्तर कि वो शास्त्रों को मानने लगता है और धीरे धीरे उसका विश्वास पैदा होने लगता है, और तीसरे स्तर में उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है और शास्त्रों का ज्ञान वो हासिल करने लगता है। श्रद्धावान लभते, तो वो श्रद्धा ऐसे ही नहीं आ जाती है, वो श्रद्धा कि ये जो स्टेजेस है इससे आती है। और अभी ये श्रद्धा आ गई तीसरे लेवल तक आ गई, अब आप कहेंगे इसके बाद छोड़ दो क्या हो गया, आप तो आगे बढ़ता ही रहेगा। नहीं, तो जितना ज्ञान आगे लेता जाता है, जितना ज्ञान में अपने आप को एनरिच करता है, समृद्ध करता है, तो श्रद्धा और बढ़ती है। अभी आपने एक स्टेज प्राप्त कर ली, आपको आप श्रद्धा के लेवल पर आ गए, अभी श्रद्धा को और बढ़ाना है, कम नहीं करना, श्रद्धा को और बढ़ाना है, ना वहीं पर रखना है, आगे बढ़ाना है। तो आप और अधिक ज्ञान हासिल करते हैं, और अधिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, और अधिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, और अधिक लेक्चर्स को सुनते हैं, और अधिक साधु संग करते हैं, तो आपकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है। अभी आपके पास दो चीजें हो गई, श्रद्धा हो गई, साथ में ज्ञान आ गया। अभी ये जो श्रद्धा और ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान अधिक लिया तो आपको श्रद्धा बढ़ी, और ये और श्रद्धा और ज्ञान अभी कैसे सुरक्षित रखना है, हाउ टू कीप दीज टू आइटम सेफ, ये हमारे हाथ से चले ना जाए, श्रद्धा में कभी परिवर्तन ना हो जाए, हम श्रद्धा श्रद्धालु हैं लेकिन अश्रद्धालु ना हो जाए, ज्ञान हमारा अज्ञान में ना बदल जाए। तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं ना, उसी तरह से यहां पर भी वैक्सीनेशन है, और वो वैक्सीनेशन में पहली वैक्सीन है शुद्धता, हमें प्योरिटी रखनी है अपने अंदर, शुद्धता रखनी है, अशुद्ध नहीं रखना है अपने मन को, अपने हृदय को अशुद्ध नहीं रखना है। हम दुनिया भर की बकवास करते रहे और कहें कि हमें श्रद्धा है और हमें ज्ञान भी हो गया है, संभव ही नहीं। जब हम दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर लेंगे और क्या नाम है, श्रद्धा हासिल कर लेंगे, तो हमें उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए शुद्धता अपने अंदर लानी, और वो शुद्धता कैसे आएगी, वो शुद्धता हमारे सदाचरण से आएगी, हमारे शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करने से आएगी। माता जी ने अभी पढ़ा ना, तो उसमें कि चार नियमों का बात बताया, तो चार नियमों को पालन करने से आएगी शुद्धता, वरना एवरी वन इज ह्यूमन, सब अलग अलग परसेंटेज से हैं, किसी में 10% है, किसी में 12% है, किसी में 15% है, किसी में 50% है, बस इस तरह से चलता रहता है। लेकिन ये शुद्धता 100% रहे और आपका ये जो श्रद्धा और ज्ञान है ये दूषित ना हो, ये परिवर्तित ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको, शुद्धता मेंटेन रखनी है। 18वें अध्याय में 48वां श्लोक है शायद, निकालिएगा प्रभु जी जरा देखिएगा। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर आवर्ता। तो हर एक प्रयास जो है वो किसी न किसी भूल से, किसी न किसी गलती से कवर रहता है, जिस प्रकार अग्नि जो है वो किससे कवर रहती है, धुएं से कवर रहती है। तो ये प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है, ये प्रोटेक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रयास अभी हमने किया ना श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त करने का, वो बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर ये एक और भी श्लोक है ब्राह्मण के गुणों जिसमें बताया गया, पीसफुलनेस, यस, शमो शमो नमस्तपः शौचम शांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, यस 18.42। तो इसमें जो ब्राह्मण के गुण बताए गए आप देखो, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, स्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम एंड रिलीजियसनेस, दीज आर द नेचुरल क्वालिटीज बाई विच द ब्राह्मणास वर्क। ये ब्राह्मणों की नेचुरल क्वालिटी, और भगवान कहाँ बता रहे हैं, 18वें अध्याय में लास्ट में जाकर बता रहे हैं, उससे पहले नहीं कह रहे हैं तुम ब्राह्मण बन जाओ, लास्ट में कह रहे हैं, और वो भी लगभग सेकेंड हाफ में कह रहे हैं, 78 में से लगभग, हाँ सेकेंड हाफ में कह रहे हैं। तो ये सब जो ब्राह्मणों के गुण हैं, ये ब्राह्मणों के गुण, ये श्रद्धा और ज्ञान विकसित होने के बाद ही ये गुण विकसित होते हैं, तब आपको शांति एकदम पीसफुलनेस आती है। कोई कुछ भी करता रहे, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो मार्केट में, लेकिन हम शांत है। हमारा कंपटीशन सिर्फ भक्ति से है कि भक्ति आगे बढ़ेगी कि मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ भक्ति को साथ लेकर मैं आगे बढ़ूंगा कि भक्ति आगे बढ़ेगी, हाँ। तो इसलिए ये पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, ये सारे गुण जो हैं, ये यहाँ जब आपकी श्रद्धा डेवलप होती है, जब आपका ज्ञान विकसित होता है, तो अपने आप से ये सारे गुण आने लगते हैं आपके अंदर, और शुद्धता आपको मिल जाती है, प्योरिटी बता रहा है ना, देखो प्योरिटी यहाँ पर दिया गया है, तो टॉलरेंस आ जाती है। तो ये इसको मिनिमाइज कर दीजिए प्रभु। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि शुद्धता, तो शुद्धता प्रोटेक्ट करता है हमारे ज्ञान को और श्रद्धा को। अभी ये जो भक्त है ना, जो मैंने शुरू में कहा, जिनसे हमारे मुलाकात हुई, वो भक्त अगर उत्साही है तो हमारी श्रद्धा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती। अगर वो भक्त उत्साही नहीं, हमें भक्त तो मिला कोई, लेकिन भक्त इतना उत्साही नहीं मिला, जो खुद भी धक्के देकर ही चलता है, उसको पुश करना पड़ता है, तो वो उसको उसको पुश करेगा तो वो हमें पुश करेगा। तो इसलिए भक्त को उत्साही होना चाहिए। कई बार तो क्या होता है कि जो व्यक्ति नया है, जो अभी डेवलप कर रहा है, श्रद्धा और ज्ञान उसको मिल गया और प्रोटेक्शन भी उसने ले लिया शुद्धता के साथ में, तो उसको अपने आप से ही उत्साह आ जाता है। जिसके साथ वो आया है वो पीछे रह जाता है और ये आगे निकल जाता है। तो उत्साह आवश्यक है आपकी श्रद्धा को और अधिक दौड़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। आपको श्रद्धा के अलावा दूसरा कोई चीज देखनी ही नहीं चाहिए। आपको कोई कहे विग्रह के बारे में, आपको कोई कहे कृष्णा के आज के ड्रेसिंग के बारे में, आपको कोई कहे आज के लेक्चर में बताई गई किसी घटनाक्रम के बारे में या स्टोरी के बारे में, तो आप 100% डिवोटेड माइंड से उसको डिस्क्राइब कर सको, उसके बारे में सोच सको, उसके बारे में बता सको किसी को भी, और अंत में जो स्थिति होती है वो क्या स्थिति होती है, उत्साह तो हो गया, उत्साह के बाद श्रद्धा और कैसे बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है गंभीरता से भक्ति के नियम पालन करने से, कि भक्ति के नियम जो है शास्त्रों में बताए गए उनको आप गंभीरता से पालन कर रहे हैं तो श्रद्धा और बढ़ेगी। लापरवाही से पालन कर रहे हैं तो श्रद्धा कहां से बढ़ेगी, क्योंकि आपको नियम में ही श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए अगर आप नियमों का पालन गंभीरता से कर रहे हैं भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, तो आपकी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती है और फिर आप भक्ति के कार्यों में और मन लगाते हैं और आप सोचते हैं कि भक्ति के कार्य व्यर्थ नहीं है, ये बहुत उपयोगी है, हमें इनको करना चाहिए। और भक्ति के कार्यों करने से, सेवा के कार्यों को करने से हम अपने अपनी शुद्धि करते हैं, अपनी परिशुद्धि करते हैं। हमारा एक प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस क्या है कि जैसे कि मिट्टी का, आपने कुम्हार देखा होगा ना, मिट्टी का एक इतना बड़ा लोंधा कहते हैं उसके लिए, वैसे वो बनाकर चाक पर रखता है। आजकल तो मोटराइज चाक भी आ गए हैं, लेकिन पहले मैनुअल चाक हुआ करते थे जिसपे वो चलाता था, तो वहां पर रखता है और उसके बाद उसको शेप देता है अपनी उंगलियों से। उसी तरह से हम वो मिट्टी के लोंधे जैसे हैं, और ये सब प्रोसेस जो है जो मैंने बताया आप, ये हमें शेप देने की कोशिश कर रहे कि हमें एक शेप आ जाए और हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा के योग्य बन सकें।
भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकें, भगवान के प्रति अपना जो विश्वास है उसको और जागृत कर सकें, उसको और सुदृढ़ कर सकें। और भगवान ही सब कुछ है, हाँ, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है, ये विश्वास अपने अंदर जनरेट कर सकें। हाँ, तो ये सब बातों के लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है? कोई भी बोलता है, आप किसी से कोई बात कहते हो तो सीधा अगर वो नकारता है तो आप बोलते हैं, अरे तुम्हें श्रद्धा नहीं है इसलिए तुम ऐसा नहीं करते। श्रद्धा मामूली चीज नहीं है, श्रद्धा ऐसे आसानी से मिलती नहीं है। श्रद्धा मिलने के लिए ये सब प्रोसेस करने पड़ते हैं, और ये सब प्रोसेस करके जब उसे श्रद्धा मिल जाती है तब वो सोचता है, हाँ वास्तव में मेरे पास श्रद्धा नहीं थी, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी, और श्रद्धा ना होने के कारण ही मैं इतना भटक रहा था। हाँ, मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे ये शुद्धता नहीं थी मेरे अंदर, और उत्साह नहीं था, गंभीरता नहीं थी। तो ये सारे गुण आवश्यक हैं भक्ति के मार्ग पर आगे चलने के लिए। तो आज हम यहाँ रुकेंगे इस विषय पर चर्चा करने के बाद, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।